ड्रैगन ने आज फिर ताइवान में हवाई घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन ताइवान का रक्षा विभाग तुरंत अलर्ट हो गया और उसने चीन के फाइटर्स को खदेड़ दिया। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, यह है ड्रैगन की ताइवान के खिलाफ जंग की मुनादी, यह है जिनपिंग की दमनकारी नीति की गवाही। सर उठाता ताइवान चीन को बिल्कुल गवारा नहीं। ताइवान की बढ़ती ताकत चीन का सरदर्द है। ड्रैगन के सीने का वो हुक है जो उसे ताइवान पर हमले का डर दिखाने को मजबूर कर रहा है। जी हाँ, 18 सितंबर यानी आज की सुबह ड्रैगन के 2 H-6 बॉम्बर, 8 J-16 फाइटर एयरक्राफ्ट, 4 J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट और 4 J-11 फाइटर ताइवान स्टेट के मध्य रेखा को पार कर गए। दूसरे देश की सीमा रेखा में घुसे इस ड्रैगन के दुस्साहसी फाइटर्स सिर्फ इतने पर नहीं रुके, ये फाइटर फिर ताइवान के दक्षिण पश्चिम इलाके में भी प्रवेश कर गए। ताइवान ने तुरंत रेडियो वार्निंग जारी की, अपने डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया। अब ड्रैगन के इन हवाई योद्धाओं की हवा खराब हो गई, फिर ये वहां से दुम दबाकर भागे। शायद ड्रैगन अभी भी उस सोच से निकल नहीं पाया है, वो अब भी ताइवान को अकेला, कमजोर और छोटा समझता है। ड्रैगन की चाल देखिए, चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने आज ही पहले कहा था कि चीन ताइवान स्टेट की ओर मिलिट्री ड्रिल करेगा, लेकिन उसके फाइटर घुस गए सीधा ताइवान की सीमा में। मतलब ड्रैगन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। उसके हर बयान के पीछे उसकी गंदी सोच और मक्कार दिमाग छिपे होते हैं, लेकिन ताइवान अब ये शायद समझ चुका है, इसलिए ताइवान भी अपनी सीमा की रक्षा करना जानता है। जैसे ही जिनपिंग के आसमानी गिद्धों ने ताइवान पर बुरी नजर डाली, उसने अपने डिफेंस सिस्टम से उन्हें खदेड़ दिया। ऐसा तब है जब अमेरिका पहले से ही ताइवान के पीछे खड़ा है। ड्रैगन अपने करतूतों से दुनिया को वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ले आया है। हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई होगी, दूसरे देश पीछे आएंगे और अगर युद्ध हुआ तो विश्व प्रलय तय है। सीमा पर तनाव के बीच आज इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 को उड़ान भरते देखा गया। ये उड़ान ड्रैगन सेना को खुली चेतावनी है। ये उड़ान देख रहे हैं आप, ये उड़ान है देश के शौर्य की, ये उड़ान है उन जाबाजों की जो ड्रैगन को डरा रहे हैं, ये उड़ान है जिनपिंग के घमंड को चीरने वाले इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 की। LAC पर हमारा MiG-29 उड़ान भर रहा है और ये ड्रैगन की डरपोक आर्मी को खुला संदेश है कि हम इधर पूरी तरह से तैयार हैं। अगर चालबाज चीन बातचीत से माना तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास दूसरा विकल्प भी है। अब की बार इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने हर जगह चौकसी बढ़ा दी है। हमारे सीमा का एक एक इंच महफूज है। MiG-29 इसी बात का सबूत दे रहा है। भारतीय वायुसेना का MiG-29 लंबे समय से वायुसेना का हिस्सा है। बीच में इसको अपग्रेड भी किया गया था। अपग्रेड होने के बाद अब ये और घातक हो गया है। तो आइए आपको इसकी खासियत बताते हैं। अब इसे ईंधन भरने के लिए नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, इसमें हवा से हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। इसमें ग्लास कॉकपिट के साथ डिजिटल स्क्रीन लग चुकी है, जिससे कमांड लेने देने में आसानी होती है। लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने में सक्षम है MiG-29 और इसकी रेंज करीब 1400 किलोमीटर की है। करगिल युद्ध में इस विमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उधर सीमा पर ड्रैगन लगातार तनाव पैदा कर रहा है। रेड आर्मी की सेना घात करने के ताक में बैठी है। ऐसे में MiG-29 का सीमा पर उड़ान भरना साफ और खुला संदेश है कि या तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें धूल चटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे।